ونحن بسم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم يا يا أيها الكافرون. لا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم बसमर अल्लामक अल्लाक पाकिस्तान और वीनस टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान में तीसरे दिन का रोज़ा आप सबको मुबारक हो और इस वक्त हमारे साथ हाफिज शुयब साहब थे आप तलावत सुन रहे थे और मैं आपकी मेज़बान सभी आपकी ख़िदमत में बिल्कुल अल्लाह की करम से फिर हाजिर हूँ और अल्लाह पाक का हर एक दम शुक्र बजा लाना चाहिए क्योंकि उसने हमें बे इंतहा नमतों से नवाजा है और लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो वो अल्लाह की ना शुक्री करने लगते हैं जो मेरे रब को बिल्कुल पसंद नहीं मेरा रब आपको दे के ले के आजमाता है रमजान की ट्रांसमिशन का आ, तलावत करीम से जो है तलावत करीम पाक से आगाज़ हो चुका है और मैं आपकी खदमत में भी हाज़िर हो गई हूँ और जब भी आती हूँ तो कोई ना कोई आपसे मैसेज शेयर होता है और आज का मैसेज कुछ इस तरह है कि हर चीज़ की ज़क़ात होती है आपके माल की आप जो आप सोना रखते हैं आप अपना पैसा रखते हैं अपना घर जो एक्स्ट्रा आप लोगों की मिलकियत होती है थोड़ी सी बात इसलिए शेयर कर रही हूँ तो हर चीज़ की ज़क़त होती है जो आपके पास एक्स्ट्रा है जो आप समझते हैं कि ये चीज़ हमारे पास अल्लाह ने में नवाज़ा है ये अल्लाह का शुक्र है और जिसम की ज़क़त रोज़ा है और हमारे पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पहले की उम्मतों पे पहले की लोगों पर सॉरी पहले के लोगों पर जो फ़र्ज़ किए गए थे तो बात करूंगी रोज़े की और रोज़े की हालत में बहुत लोग जो है ना वो मैं जब गुफ्तु करती हूँ बहुत सारी बातें मेरे जहन में इतनी सारी चल रही होती हैं मैं कहती हूँ मैं आज से बहुत सारी बातें शेयर करूँ लेकिन शायद कहीं ना कहीं क्योंकि हम अशरफुलमखलूक़ात तो हैं लेकिन हम एक इंसान हैं और इंसान से गलती होती है और आज कहने का मकसद ये है कि जब कुछ गलती हो तो उसको ले के मत चला करें उसे दरगुजर किया करें और अगले दिन भूल जाया करें और मेरे नबी वाली वसल्लम ने हमेशा हमें यह मैसेज दिया है कि अपने जिसम को पाक रखना हो अपने जहन को पाक रखना हो अपने नफ्स को पाक रखना हो तो अपने दिल को साफ रखना चाहिए जब तक हम अपने दिल को साफ नहीं रखेंगे ना तो वो जो बनावटी अंदाज है ना वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा आपका और मैं ये कहना चाहूंगी कि वजू हमें बहुत कुछ सिखाता है कभी आपने नोट किया है नाजरीन कि हम जब वजू करते हैं सबसे पहले हम हाथ धोते हैं फिर उस हाथ धोने का मकसद पता क्या होता है ए अल्लाह मुझे हर जब मैं हाथ धो रही हूँ ना ए मेरे अल्लाह मुझे उन जैसे हम कुछ गुनाह करते हैं कुछ चोरी करते हैं हमें इन चीज़ों से बचाए इससे पाक रख ये अगर सोचें तो फिर हम ऑफ कोर्स अपने नाक में पानी डालते हैं उन गंदी गलाजत बदबूओं से हमें अल्लाह पाक बचाए फिर हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह जब मैं अपने गले मुँह में पानी जब हम कुल्ली करते हैं ना तो हम कहते हैं अल्लाह पाक हमें हराम ना खिला ये एक, एक देखा जाए तो हम ये कनेक्शन है ये सिर्फ वजू करना नहीं वजू किया जाके सजदा कर दिया लेकिन अगर हम एक एक चीज को नोट करें ना हमें मालूम हो कि वाकई में इसमें कितना हमारे लिए भलाई है फिर हम अपने अपने हाथों को धोते हैं ऐसा ही है ना फिर हम हम स्तंजा करते हैं वो पूरा जो है वो अपने सर का मसा करते हैं पूरा तो हम कहते हैं लगभग हमें पूरे हमारे जिस्म को पाक कर दे तो छोटी छोटी चीज़ें फिर हम अपने कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें जब होते हैं राइट पहले तो कहते हैं अल्लाह पाक जन्नत में पहला कदम अल्लाह करे हमारा ऐसा हो सोच के तो अगर हम ये सारे अगर वजू कोई कि छोटी छोटी चीज़ों को देख के करें तो अल्लाह पाक हमें इतनी सारी भलाइयाँ करने की तौफीक देगा और हमारी इतनी सारी नेकियां होंगी और जब हम नमाज़ पढ़े ना जब हम सजदे में जाएं तो सोच लें सोच के सजदा किया करें कि ये हो सकता है मेरा आखिरी सजदा हो इसके बाद शायद मुझे मौका ना मिले लेकिन हम ये सोचते हैं कि कल भी हमारा है परसों भी हमारा है और आगे भी ऐसा कुछ नहीं है और कभी भी आ, किसी से मिले तो ये सोच के मिले ये मेरी आखिरी मुलाकात होगी इस शख्स के साथ तो जाते जाते ऐसा कुछ ना करके जाए कि दिल में उसको भी कसक रह जाए और आपको भी लेकिन एक बात और बताना चाहूँगी नाजिम जब हम मर जाते हैं ना लेकिन हमारी रूह जो है वो कभी नहीं मरती वो सब कुछ देख रही होती है और अल्लाह से चंद लम्हात मांग रही होती है कि अल्लाह तो मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे देना कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा लेकिन अल्लाह बस जो तुझे मैंने दिया उसके बाद आपकी अल्लाह का हुक्म नहीं है ना जब तक आप एक लकमा एक कतरा भी अपने गले में नहीं उतार सकते तो कहने का मकसद है जो मेरे रब ने जो दिया है जो मेरे रब ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं और जो नहीं दी है उसमें उसकी मसलेहत है और जो दी है उसका शुक्र बजाला है जितना शुक्र करेंगे मेरा रब आपका आपसे बहुत खुश होगा उसे शुक्र करने वाले बहुत पसंद है वो वाह शरीक है उसे शिक्ष से ना उस सख्त ना पसंद करता है उसका कोई शरीक नहीं तो अपने आप को कोशिश करें जो अल्लाह ने नमतें दी हैं आपको औलाद दी है आपको घर दिया है आपको गाड़ी दी है सब कुछ उसने दिया है और कुछ लोग बहुत जेलिस होते हैं तो बराए मेरे बानी मैं उनसे भी ये कहूँगी मेरे रब ने अगर उसे नवाजा है तो आप लोग भी हसद ना किया करें हसद कीना ना कुफर कुफ्रिया कलमात किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा बोलना और मैं सच कहूँ बहुत बहुत सारी बातें हम ऐसे कर लेते हैं गुफ्तगु में खाते पीते और हंसी मजाक में भी हम बहुत सारी बुराइयाँ कर लेते हैं तो कोशिश करें प्लीज़ बल्कि करना यही चाहिए कि हम ना ही हीबत करें तो अच्छा है अच्छे से है जैसे कच्चा गोश्त खाना किसी से शिकवे गिले हैं ज़रूर आप कर सकते हैं लेकिन आ, उस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ले कि किसी की बर्बादी का सबब बन जाए ऐसा ना करें तो ये रमज़ान का महीना जो है ना ये हम पर उतरा है पूरे साल के बाद और ये यकीन करें हमें आ, पूरा एक पूरे साल बाद हमें डिटॉक्सिफाई कर देता है हमारी तमाम बीमारियों से हमें निजात दे देता है लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि वो रोजे में रोजे की हालत में शायद वो बीमार हो जाए या वो दवाई नहीं ले सके लेकिन मैं आपको सच कहूँ मेरा रब बड़ा गफुर तीस दिन यानी कि पूरे साल के बाद आपके अंदर की और बाहर की सारी गलाजत जिसे कहते हैं ना वो निकल जाती है सारी बीमारियां निकल जाती हैं सारा तकबर निकल जाता है एक एक लम्हा शहरी को उठ के तहज में उठ के इबादत करके सजदा करके रोजा रख के रोजा हमें क्या करता है मुतकी करता है सिखाता है परहेज सिखाता है और उनके बारे में सोचना सिखाता है कि जो बहुत मुफलिस हैं जो बहुत गरीब हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है अल्लाह पाक हमें बताता है सिखाता है कि देखो इतने नौ घंटे दस घंटे भूखा रहने के बाद कैसा महसूस होता है आपको तो फिर हमें सोचने पे मजबूर कर देता है तब हम अपना एक छोटा सा और एक ट्रे बनाते हैं और कहते हैं ये उसके घर में देख कर आ जाओ वो हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो अल्लाह के सिखाने के क्या मामलात हैं मेरा रब हमें बहुत बेहतर जानता है क्योंकि वो हमारे दिलों में रहता है और जिसके दिल में अल्लाह हो वो कभी किसी से नफरत नहीं कर सकता इस बात का मैं यहाँ पर इख्तिताम करूँगी और बात करूंगी क्योंकि मेरे इस प्रोग्राम को मेरे जितनी मेरी टीम है मेरे लोग हैं उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरी पूरी ट्रांसमिशन में एक छोटा छोटा हर किसी का किरदार होता है और मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ यहाँ तक के मेरे यहाँ पर जो अगर मेरे बर्तन उठा रहे हैं या रख रहे हैं कोई झाड़ू लगा रहे हैं मैं उन सब के जो मेरे कैमरे ऑन कर रहे हैं लाइट्स ऑन कर रहे हैं मेरी पूरी टीम और ख़ास तौर पे मेरे यहाँ के ऑनर सी मिस्टर आ, जो हैं फरहान भाई जो है वो बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं अल्लाह पाक उनको जज़ाय ख़ैर दे और उनके वालद साहब को स्पेशली दुआ करूँगी अल्लाह पाक उनके जन्नतुल जन्तुलमकाम जन, जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता करे इस रमज़ान माह मुबारक के सदक़े में उनकी वालदा को सेहत दे क्योंकि वो पूरे आ, जो सब जब आते हैं तो फिर वो शहरी और यहीं पर उनके सब के साथ एक बड़ा हम्बल स्टाइल है मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है शायद रमज़ान को वो ज़्यादा फॉलो करें कि हर किसी से मुस्कुरा के क्योंकि हर किसी की ट्रांसमिशन हो रही होती है किसी की रिकॉर्डिंग है बट उनके चेहरे पे एक स्माइल है अल्लाह पाक मेरे भाई को बहुत दे बहुत नवाजे और शुक्रिया आपका और शुक्र मेरे अल्लाह का और उन तमाम इस्पॉन्सर का जिन्होंने इस प्रोग्राम का मेरे स्पॉन्सर्स का जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इश्तराक किया और मैं ख़ास तौर पे जो है उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और उनके लिए मैं मेरी पूरी ट्रांसमिशन में कुछ ऐसे अल्फाज में कहती हूँ क्योंकि मैं उस जगह पर जा चुकी हूँ और वो है आई हॉस्पिटल अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल ख़ास तौर पे मैं उनके लिए रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि मैं खुद गई हूँ और वो वाकई में बहुत ज़रूरतमंद है और वहाँ के बच्चे वहाँ के बूढ़े वहाँ के नौजवान उनकी आंखें नहीं हैं या उनकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं हमेशा अपील करती हूँ और अभी भी अपने प्रोग्राम में ये कहूँगी कि आप ज़रूर अल इब्राहिम को सपोर्ट करें और इनको प्रमोट करें और इनको जो है जकवात अतियात ज़रूर दें फिर मैं नौजवानों की बात करूं तो नौजवानों के लिए सोचना ये बड़ी बात होती है तो मैं ज़ाकिर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने नौजवानों के लिए बहुत बेहतर सोचा एक कदम आगे बढ़ के दिखाया कि कुछ कर सकते हैं हम अपने पाकिस्तान के लिए फिर मैं थैंक्स करूँगी टेस्ट लैंड का जिन्होंने बच्चों के लिए उनके रोज़ा खुशाई के लिए स्पेशली गिफ्टिंग की और मैं थैंक्स करूँगी ग्लैम ग, ग, गैस का जिन्होंने अपने जो है उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त जो है अपने स्पॉन्सर किया गिफ्ट किया और इस्पेशलीफ मसाले जी हाँ उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया तो मैं सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ और यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादतें रमज़ान के साथ